हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफ़ा क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो है पहले से दो एग्ज़ाम्पल कर दिए हैं, और तीसरा भी मैंने सोचा था कि पहले से ही कर दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये जो है वीडियो में ही कराना सही रहेगा। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से अब वीडियो शुरू करते हैं, और आप जैसे कि देख रहे हो कि हमारा जो आज का वीडियो है वो किस पर होने वाला, क्या टॉपिक रहेगा, वो है IUPAC नेम्स ऑफ हैलाइड्स, मतलब हेलो एल्किन। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स पे, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, या फिर आपको नोमेनक्लेचर यानी कि मतलब नेमिंग करना नहीं आती एल्केन की, तो वो पहले देख लें, फिर उसके बाद यहाँ पर आएँ। क्योंकि एल्केन की नेमिंग करना अगर आपको नहीं आता, तो हेलो एल्केन की नेमिंग आपसे नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप जाओ वहाँ पर, देखो, पढ़ कर आओ, फिर यहाँ पर आओ, सब समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले एग्ज़ाम्पल हमने लिया था, ये वन हमारा एग्ज़ाम्पल था। यहाँ पर हमने CH3 और उसके साथ यहाँ पे लगा हुआ एक हेलोजन क्लोरीन। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, हमारे जो हेलोजन है वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अगर चेन में हमारा क्लोरीन लगा है तो इसको हम क्लोरो लिखेंगे। ठीक है, जब हम नेमिंग करेंगे तो क्लोरीन को हम लिखेंगे क्लोरो, फ्लोरीन को हम लिखेंगे फ्लोरो, ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो, और आयोडीन को लिखेंगे आयोडो। सॉरी, यहाँ पर IODO आएगा। ठीक है, IODO, आयोडो। इतना आप समझ गए। अब बच्चों, हमने ये एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर एक कार्बन है। अच्छा, कार्बन से हमें क्या करना है, जो हमारे कार्बन है उससे हम एल्केन का नाम बनाएंगे। ठीक है, जो भी एल्केन का नाम बने, कार्बन के जितने भी कार्बन हैं। ठीक है, आपको पता है अगर एक कार्बन है तो हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। दो कार्बन है तो ईथेन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, चार कार्बन है तो ब्यूटेन, पाँच कार्बन है पेंटेन। ठीक है, छः कार्बन है अगर तो हेक्सेन, सात कार्बन है हेप्टेन। ठीक है, एंड सो ऑन। आपको पता है, मैं पहले भी वीडियो में ये बता चुका हूँ। चलिए, तो यहाँ पर एक कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर लंबी चेन का सिलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, एक ही कार्बन है। ठीक है, लंबी चेन का सिलेक्शन करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, लेकिन कब, जब ज़्यादा कार्बन आएंगे तब करेंगे, अभी तो एक ही कार्बन है। एक कार्बन से क्लोरीन लगा, तो क्लोरीन, अच्छा यहाँ पर ये भी होगा कि क्लोरीन चेन में किस पोजीशन पे लगाया, मतलब कौन से कार्बन पे लगाया है, जब हम नंबरिंग करेंगे फिर उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ही है, तो पहले कार्बन पे लगा हुआ है, तो अगर वो उसकी पोजीशन वन है, किसकी, हेलोजन की, हेलोजन की पोजीशन, ये हेलोजन है सब। ठीक है, क्या है ये हेलोजन, ये मैंने आपको हेलोजन लिख के दे दिए अलग से यहाँ पर, तो हेलोजन की पोजीशन क्या है वो भी दिखानी है। अगर पोजीशन वन है तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर टू है, थ्री है, तो ये सारी पोजीशन वन के अलावा हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम सबसे पहले, अच्छा फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पर हेलोजन है, और उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे रूल बना के लिख लो, जैसे मैंने सेवन रूल्स लिखवाए थे इससे पहले वीडियो में, तो यहाँ पर आपको अगर कुछ रूल्स मिलते हैं तो आप लिख सकते हो अपने अपने आप नोटबुक में अपनी, कि भाई अगर हेलोजन यहाँ पर लगा हुआ है तो सबसे पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे, तो क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो यहाँ पर मैंने लिखा पहले क्लोरो। ठीक है, अब एक कार्बन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, मीथेन, तो क्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया, क्लोरो मीथेन, इस चीज़ का क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। अब सेकंड एग्जांपल देखो, इसी तरह से यहाँ पर मैंने चेन थोड़ी सी बड़ी कर दी, दो कार्बन आ गए, ठीक है, ब्रोमीन आ गया। अब लॉन्गेस्ट चेन तो यही रहेगी, चेन आपको कौन सी देखनी है, जो हमारी एल्केन की जैसे चेन देखते थे वही चेन देखनी है। ठीक है, कार्बन वाली चेन देखनी, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये रहेगी, वन टू। ठीक है, तो अच्छा अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, जिधर से ब्रोमीन करीब पड़े, जिधर से हेलोजन करीब पड़े, उधर से नंबरिंग करना है। ठीक है, दूसरा रूल ये लिख लो, जिधर से हेलोजन करीब पड़े चेन में उधर से नंबरिंग करना है। ठीक है,
1 2, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, ठीक है। अब सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे ब्रोमीन का, ठीक है। तो नंबर 1 पे लगा हुआ है, नंबर 1 कार्बन पे लगा हुआ है, तो खाली लिख देंगे ब्रोमो, तो हमने लिख दिया ब्रोमो। अब चेन का नाम लिखेंगे मीथ ईथ ईथीन, क्लियर। चलो अब यहाँ आ जाओ। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे इसको छुपा लेता हूँ। ये था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये था, क्या था, CH3, फिर C और C के साथ ये CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, फिर ये ब्रोमीन लगा हुआ, ऐसा है सवाल ये। तो यहाँ पे इस सवाल को कई सारे बच्चे जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, ठीक है, वो नहीं समझ पाएंगे, तो उन्हीं के लिए मैं ख़ास तौर से ये सवाल रखा है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये है कि ये जो CH3 है ना, वो दो बार है, कितनी बार है, दो बार, और वो इस कार्बन से अटैच है दोनों बार, CH3 इस कार्बन से अटैच है दोनों बार। तो मैंने फिर इसको ओपन करा, ठीक है, ऐसे ये वाला सी ये आ गया और ये वाला CH3 इधर आ गया, और ये दो CH3 इसी कार्बन से मैंने एक ऊपर अटैच कर दिया, एक नीचे अटैच कर दिया। ये जो ब्रोमीन देख रहे हो ना आप, वो इस कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह की कहानी बनी। तो अब क्या है कि आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अगर हम ऐसे सीधे सीधे आएँ तो 1 2, ठीक है, दो कार्बन ही आ रहे हैं, और अगर हम ऐसे करें 1 2 3, तो तीन की चेन बन रही है, बन रही है या नहीं बन रही, तीन की चेन। तो हमारा पहला मकसद क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो भाई मैंने ये ऐसे ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। अब मैंने देखा ब्रोमीन मेरा चेन में किधर से पास पड़ेगा, 1 2 3, तो इधर से दो नंबर पे आया, और नीचे से ऊपर जाएं तो 1 2 3, इधर से भी दो नंबर पे आया। तो फिर कोई सा भी नंबरिंग ले लो, ऊपर से नीचे आने वाली नंबरिंग ले लो या नीचे से ऊपर जाने वाली नंबरिंग ले लो, ठीक है। दो नंबर पे लगा है ब्रोमीन, तो सबसे पहले ब्रोमीन का नाम लिखते हैं ब्रोमो। अब यहाँ पे पोजीशन भी दिखाओगे, भाई कौन से कार्बन पे है ये, तो हमने लिख दिया 2 ब्रोमो। 2 का मतलब दूसरे नंबर के कार्बन पे ये लगा हुआ। अब हम लिखेंगे इस चेन का नाम। अब इस चेन में एक और काम हो रहा है, क्या कि यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है। ये CH3 क्या है यहाँ पर, ये है बच्चों ब्रांच चेन, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो हमारे पास ये है CH3 CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे लगा है एक CH3। अब इसका नाम क्या लिखोगे आप, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। इससे पहले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, मीथ ईथ प्रोपेन, ठीक है। अब इस चेन में यहाँ पे लगा हुआ है एक ब्रांच चेन, ठीक है। तो ब्रांच चेन का नाम पहले लिखते हैं किसी भी चेन में, तो ब्रांच क्या है यहाँ पर, मिथाइल, ठीक है। ब्रांच क्या है यहाँ पर, मिथाइल। अब मिथाइल की पोजीशन देखो, 1 2 3, और इधर से चलें तो 1 2 3, तो दो नंबर भी आ रही है, ठीक है। तो फिर 2 मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल, और फिर मीथ ईथ प्रोपेन, ठीक है। अब आपका ये जो एल्केन की जो चेन थी, सेम ये है, देखिए बस यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ का हटा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ का हटा दो, यहाँ BR लगा दो, सेम यही बन जाएगा, ठीक है, बस। तो यही नाम यहाँ पे आ जाएगा अब आपका, ठीक है, क्योंकि ब्रोमो आप लिख चुके हो, सेम यही नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फिर 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये आपका नाम हो गया किसका, इसका। ये हमारा एग्जांपल 3 था, नंबर 3 कह देते हैं इसे, और ये हमारा नंबर 2, ठीक है, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, इतना क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और लेते हैं, नंबर 4। बच्चों यहाँ पर ये बहुत फेमस चीज़ है, CHCl3 CHCl3, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसका जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कार्बन,
और यहाँ पर लगा है हाइड्रोजन, और क्लोरीन तीन है तो एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर, ठीक है, तीन क्लोरीन है यहाँ पर। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर हेलोजन कितने हैं, तीन हेलोजन, और मतलब तीनों हेलोजन सेम हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके पास अगर एक ही हेलोजन है तो कोई बात नहीं, दो हेलोजन आ जाए, ठीक है, दो हेलोजन आ जाए तो हेलोजन का जो नाम आप लिखोगे उसके साथ डाई लगा देगा, और तीन हेलोजन आ जाए तो उसके साथ आप ट्राई लगा देना, ट्राई, और चार हेलोजन आ जाए तो उसके साथ आप टेट्रा लगा देना, टेट्रा, ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर तीन हेलोजन है हमारे, एक हेलोजन ये हो गया, एक हेलोजन ये हो गया, और एक ही हो गया हेलोजन, और तीनों सेम हेलोजन है, क्लोरीन है। तो इसका नाम पहले लिखेंगे, कार्बन एक ही है आपके पास, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चेन का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं करना, एक ही कार्बन। तो सबसे पहले ये नाम लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें क्लोरो लिखना है, ठीक है, पहले लिखेंगे क्लोरो। अब देखिए क्लोरो मैंने आपसे कहा कि तीन है तो क्या लिखा लगाएंगे, ट्राई, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई क्लोरो, क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। ये बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, दिख रहा है आपको, ये बीच में जगह नहीं होना चाहिए, ठीक है, ट्राई क्लोरो। अब एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, एक कार्बन की चेन को क्या कहते हो आप, मीथेन, तो ट्राई क्लोरो मीथेन। ट्राई क्लोरो मीथेन, समझ में आया। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन होता, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता, ठीक है, और दो ही क्लोरीन लगे तो हम फिर क्या कहते हैं, डाई क्लोरो मीथेन, जैसे इसको मैं समझा देता। वैसे एक चीज़ और, ये जो ट्राई क्लोरो मीथेन है ना, इसका जो कॉमन नेम है वो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम क्लोरोफॉर्म। चलिए जैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे मैंने ये कहा भाई, जैसे ये था हमारा सी, और एक एच यहाँ लगा हुआ था, ठीक है, और एक एच लगा हुआ था, और बाकी तीन क्लोरीन लगे हुए थे, ठीक है, तो दो क्लोरीन लगा देते हैं यहाँ पर, और एक एच और लगा देते हैं, एक क्लोरीन हटा दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा भाई कितने कार्बन लगे हैं, दो, तो हम लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और ये एक कार्बन है तो मीथेन, मीथेन, डाई क्लोरो मीथेन। अभी चार क्लोरीन लगे हैं, सपोज दैट हाइड्रोजन है ही नहीं, एक कार्बन, एक क्लोरीन इधर लगा है, 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 तो इसका नाम क्या हो गया। अब जी चार लगे तो दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, और चार के लिए टेट्रा, तो इसको कह देंगे टेट्रा क्लोरो, टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, ठीक है। कार्बन कितना, एक, तो एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। ये आईयूपीएसी नेम हो गया इसका, टेट्रा क्लोरो मीथेन। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फाइव, मैं इतने एग्जाम्पल करा दूंगा कि आप आसानी से लिख दोगे नाम, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मतलब कॉम्प्लिकेटेड दे दिया आपको, तो आपको दिक्कत हो सकती है, बहरहाल लेकिन नाम लिख दोगे अगर आपने एल्केन वाला भी देख लिया है तो। अब देखो पांच नंबर, जैसे हमने लिखा CH3, CH, और यहाँ पर Br का होल ट्वाइस, Br का होल ट्वाइस। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको खोलो, अब इसको कैसे खोलेंगे, CH3, CH, और इस पे लगे हुए हैं दो Br, ठीक है, एक Br यहाँ पर लगा दिया हमने, और एक Br हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, दो Br लगे हैं यहाँ पर। अब इसका नाम लिखना है, तो लंबी चेन, लंबी चेन तो भाई ये हो रही है सीधे सीधे, कार्बन की ही लेते हैं चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करें तो 1, 2, ठीक है, क्योंकि हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से हमारा ब्रोमीन पास पड़ रहा हो, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप चल रहा है हेलोजन वो करीब पड़ रहा हो उधर से, तो इधर से ही करेंगे।
तो ये ब्रोमीन लगा, ये ब्रोमीन, तो दो ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो, क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। अच्छा अब मीथ ईथ, तो ईथेन हो जाएगा, डाई ब्रोमो ईथेन। अब बच्चों अगर चाहो तो ये दोनों ब्रोमीन की पोजीशन भी बता सकते हो आप, ठीक है, ये दोनों ब्रोमीन की पोजीशन भी बता सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, 1 डाई ब्रोमो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई जो दो ब्रोमीन लगे हैं वो पहली पोजीशन पे ही हैं दोनों, समझ लो। जैसे एग्जांपल एक और अलग से, जैसे ये है हमारे बन, मान लो CH3 CH, और यहाँ पर हमने लगा दिया एक BR, और एक हमने यहाँ पे CH2 PR, ठीक है। अब लंबी चेन का सिलेक्शन करो, लंबी चेन क्या हो गई, ये हो गई आपकी सीधी सीधी सीधी, मीथ ईथ प्रॉप, ठीक है, मीथ ईथ प्रॉप। अब देखो यहाँ पे दो ब्रोमीन है इस चेन में, ठीक है, तो इधर से चलेंगे, इधर से ये वाला ब्रोमीन सबसे पहले पास पड़ रहा है, तो 1, 2 नंबरिंग ऐसे करेंगे, 1, 2, 3। अगर इधर से चलेंगे देखो, पहले नंबर खाली, दूसरे नंबर पे जाके ब्रोमीन मिल रहा है, और इधर से पहले भी ब्रोमीन मिल रहा है, तो इधर से चलेंगे, ठीक है, तो 1, 2, 3। अच्छा अब पहले नाम लिखेंगे डाई ब्रोमो, ठीक है, डाई दो लगे हैं तो डाई ब्रोमो। अब इससे पहले भी आपको करना क्या है, पोजीशन दिखाना है दोनों। तो पहला एक ब्रोमीन लगा है 1 पे और एक ब्रोमीन लगा है 2 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 डाई ब्रोमो मीथ ईथ प्रोपेन। समझ पाए आप, क्लियर हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से हमें नेमिंग करनी। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ अलग सा दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, जो नया होगा। नंबर 6, जैसे हमारे पास है CH3, CH2 ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, और यहाँ पे लगा दिया हमने आयोडीन। अब पहले लंबी चेन का सिलेक्शन करो, 1, 2, 3, ये हो रही है हमारी लंबी चेन। अब बच्चों यहाँ पर ये एल्केन नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, जब भी डबल बॉन्ड आ जाए ना चेन में, डबल बॉन्ड आ जाए, ये क्या है हमारा डबल बॉन्ड है, तो जब भी डबल बॉन्ड आ जाए ना चेन में, तो फिर वो एल्केन नहीं, फिर उसको हम कहते हैं एल्कीन, क्या कहते हैं, एल्कीन, यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा इधर का दिख नहीं रहा है, एल्कीन, ठीक है, तो ये एल्कीन है। अब उससे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे, ठीक है, अगर आपने एल्कीन पढ़ा हुआ है तो एल्कीन समझ जाओ। सबसे पहले हमारा मकसद क्या है कि हम नंबरिंग करें, लंबी चेन का सिलेक्ट करें, लंबी चेन हमारी ये हो गई, अब नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, तो क्योंकि इधर से आयोडीन हमारा करीब पड़ रहा है, तो सबसे पहले अपने इसका नाम लिखेंगे आयोडीन का, ठीक है, ठीक है, आयोडीन का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, आयोडो। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर लगाएंगे 1 आईडो लगाएंगे, नहीं, ये मैंने आपको इसीलिए तो इधर से नंबरिंग करके दिखाई दी। अब देखो जब भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो या ब्रांच चेन लगी हो, अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो डबल बॉन्ड प्रीफर करता है, ठीक है, इसको लिख लो, डबल बॉन्ड अगर आ गया है या ट्रिपल बॉन्ड आ गया है चेन में, तो उसकी चलेगी फिर, वो कहेगा मेरे तरफ से करो नंबरिंग, समझ लो, क्या कहेगा वो, मेरी तरफ से नंबरिंग करो, तो नंबरिंग होगी यहाँ से बच्चों, ये जो नंबरिंग है वो गलत है, नंबरिंग इधर से होगी, इधर से होगी, क्यों, डबल बॉन्ड इधर से पहले कार्बन पे ही पड़ रहा है, तो 1, 2, 3, लेकिन नाम तो आइडो कहेगा भाई नंबरिंग तुम भले ही डबल बॉन्ड की तरफ से कर लो, लेकिन नाम पहले मेरा लिखा जाए, नगर ठीक है चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारा नाम लिख देंगे पहले, जो फंक्शनल ग्रुप है नाम उसी का पहले लिखा जाएगा। तो अब देखो आयोडीन कहाँ पर आ रहा है, अब आयोडीन आ रहा है 3 नंबर पे, यानी कि मतलब 3 आयोडो, ठीक है, अब इसका नाम लिखा जाएगा, तो
तो ये एल्केन नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ जाता है तो एल्केन का क्या हो जाता है, एल्कीन हो जाता है। तो मीथ ईथ प्रॉप, मीथ ईथ प्रॉप, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रॉप, प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपीन लिखेंगे, ठीक है, प्रोपीन। तो प्रॉप, अच्छा अब जैसे कि हमने लिखा प्रोपीन, तो प्रॉप फिर ईन लिखेंगे, ईन, ठीक है, प्रोपीन ऐसे लिखेंगे, मिला के लिख दोगे तो प्रोपीन हो जाएगा। तो जब भी आपको ये डबल बॉन्ड जो है इसकी पोजीशन दिखानी है तो यहाँ बीच में ही दिखाते हैं इसकी पूरी पोजीशन, यहाँ बीच में प्रॉप, फिर पोजीशन, फिर ईन, ठीक है। तो अगर वन पोजीशन क्या है इसकी, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, वन है, तो अगर वन पोजीशन आप दिखाना चाहो तो दिखा दो, नहीं दिखाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसको हम ये लिख सकते हैं, हम पोजीशन नहीं दिखाना चाह रहे डबल बॉन्ड की, तो प्रोपीन लिख दिया हमने सीधे, और दिखाना चाह रहे हैं तो फिर हम लिखेंगे थ्री आइडो प्रॉप, फिर यहाँ पे वन, फिर यहाँ पर ईन। तो अब ये इसमें पोजीशन दिखा दी और इसमें पोजीशन शो नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन जब कोई इसको पढ़ेगा, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर जो है वन पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ। ये एल्कीन होता है, क्योंकि मैंने आपको एल्कीन के बारे में नहीं बताया था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे एल्कीन डाल दिया। हम एक आध एग्जाम्पल और समझ लेते हैं डबल बॉन्ड का, चलिए एक आध एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है अलग से एग्जाम्पल, वो नंबरिंग वाले एग्जाम्पल मैं आपको अलग करा रहा हूँ और मतलब उसके जैसे और अलग बता रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने 1 2 3 6 तक किया तो ये तो अलग थे ही, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये मैंने अपने नोट्स में भी डाले हुए हैं, जो आपको यहाँ पे नंबर, जो मैंने आपको यहाँ पर नंबर वाले एग्जाम्पल कराए, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर है ना, यहाँ पर नंबर फोर कराया ये, फिर इधर नंबर फाइव, नंबर सिक्स कराया यहाँ पर है ना, और उसके अलावा अलग से भी कराए हैं अभी इसी में बीच में है ना। तो जो नंबर वाले जितने मैंने नंबर दिया है ना एग्ज़ाम्पल को, वो मैंने अपने नोट्स में डाले हुए हैं, ठीक है। और मैं अपने नोट्स जो है इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। चलो तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, ये डबल बॉन्ड वाले एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है मान लो CH3, CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर CH, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पे लगा देते हैं चलो क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है, क्लोरीन। तो ये है हमारा बॉन्ड, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लंबी चेन का सिलेक्शन करना है। तो 1 2 3 ये लंबी चेन हमें सीधी सीधी दिख रही है, ठीक है। अब हमें नंबरिंग करना है बच्चों, तो नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से इस वाले डबल बॉन्ड जब आता था तो डबल बॉन्ड कहता भाई मेरी तरफ से नंबरिंग होगी, मैंने कहा चलो इधर से कर देते हैं नंबरिंग। तो 1 2 3, ठीक है, 4। तो इधर से ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, दूसरे कार्बन पे आया, आया कि नहीं आया। और अगर हम इधर से करें तो 1 2 3 4, इधर से भी दूसरे कार्बन पे आ रहा है। अब इधर से दूसरे कार्बन पे आ रहा है लेकिन, और इधर से भी दूसरे कार्बन पे आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे आसानी हो रही है क्या, कि भाई हम अपने ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना उसको भी पास वाला नंबरिंग दे सकते हैं। अगर हम नंबरिंग इधर से करें तो डबल बॉन्ड तो हमारा 2 पे आ जाएगा, लेकिन क्लोरीन हमारा जो है वो 4 नंबर पे चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक मौका मिल रहा है कि डबल बॉन्ड को 2 पे लाते हुए हम क्लोरीन को 1 पे ला सकते हैं। तो फिर हम इसमें से कौन सा चूज़ करें, क्या हम ये वाला चूज़ करें कि डबल बॉन्ड को तो हम 2 पे लाएं इधर से आए ऐसे और क्लोरीन हमारा आ जाए 4 में, या फिर क्लोरीन को 1 पे लाते हुए डबल बॉन्ड को 2 पे ले आएँ, क्योंकि डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से, इधर से जाओ या इधर से आओ, दोनों तरफ से 2 पे आ रहा है। तो फिर हम वाला रास्ता चुनेंगे कि हमारा क्लोरीन भी करीब आ जाए, है ना। तो ये वाला बेस्ट रहेगा यहाँ पर, मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है, ठीक है, कि आप डबल बॉन्ड को भी करीब ला सकते हो और उसी चांस में आप क्लोरीन को भी करीब ला पा रहे हो, तो वो वाला रास्ता आप चुनो, ठीक है, नंबरिंग का। तो हम ये नंबरिंग को चूज़ करेंगे, ठीक है।
तो ये था मेरा मकसद बताने का। मेरी बात समझ पा रहे हो? थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे शायद जिनका वीक है उन्हें दिक्कत आती है। क्या भाई, अगर हम इधर से चलें तो, अगर हम ये वाला रास्ता चूज़ करें, इधर से नंबरिंग करें, तो क्या होगा कि भाई डबल वन हमारा टू पे आ रहा है, सही है, लेकिन क्लोरीन हमारा आ रहा है 4 नंबर पे, और जब हम इधर से चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड हमारा 2 पे आ रहा है, जो कि इधर से भी आ रहा था, तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेम है, लेकिन इधर से क्लोरीन हमारा पास आ जाता है ना, 1 पे आ जाता है, तो हम ये वाला रास्ता चूज़ करेंगे, फिर क्लोरीन को भी पास ले लेंगे, ठीक है, वो भी तो पहले आना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड के आगे उसकी चल नहीं पा रही, तो ये वाला सही है ना, जिससे डबल बॉन्ड का भी हो जाएगा काम, वो कह रहा था भाई मैं पास में आऊँगा, मुझे करीब में लो, और क्लोरीन का भी हो जाएगा काम, ठीक है, तो ये वाला रास्ता सही रहेगा, तो सही रहेगा नहीं, यही रहता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ फिर? सबसे पहले लिखेंगे क्लोरीन के लिए, नाम इसका ही लिखा जाएगा पहले, तो क्लोरो, क्लोरो, अब क्लोरो की पोजीशन दिखा दो, 1 1 क्लोरो, ठीक है, फिर लिखेंगे चेन का नाम, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, तो इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटीन, क्या लिखेंगे, ब्यूटीन, तो ब्यू, अब जो ब्यूट और ईन के बीच में ब्यूटीन हो गया, ठीक है, अब ब्यूट और ईन के बीच में डबल बॉन्ड का जो हमारे पोजीशन है वो, तो कितनी पोजीशन है, 2 पोजीशन, उसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो ब्यूट 2 ईन। ये एग्जाम्पल देखो कितने मैंने नंबर दे दिए थे यहाँ पर, 6, 7वां एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे ये है, अब जैसे हमारे पास ये लिखा है CH3, और इसका दिया है होल ट्वाइस, CH CH, फिर यहाँ पे दिया है CL, तो फिर यहाँ दिया है CH3। तो बच्चों वीडियो पॉज हो गया किसी वजह से, तो ये एग्जाम्पल 7 आपका निकल गया, मैं बनाता रहा बोलता रहा, मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो बन रहा है, लेकिन वो पॉज हो गया था, मतलब रुक गया था, स्टॉप हो गया था किसी वजह से, ये एग्जाम्पल आपका निकल गया, ठीक है, तो ये था, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जैसे CH3 यहाँ पर क्या दिया, होल ट्वाइस, फिर CH CH Cl3, अब ये ब्रेकेट में लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये ब्रेकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है CH3, तो ये जो ब्रेकेट में लिखा हुआ है ना CH3 का होल ट्वाइस, वो इस कार्बन से अटैच हैं दोनों, इससे, ठीक है, और ये जो Cl ब्रेकेट में है वो इससे अटैच है, ठीक है, इससे अटैच है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे CH ये वाला आ गया, ठीक है, ये CH आ गया, ये वाला यहाँ पे CH3 ऊपर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ठीक है, अच्छा, फिर CH से ये CH अटैच करा, ठीक, फिर इस CH से ये Cl अटैच कर दिया ऊपर, और ये CH3, अब मैंने देखा कि ये हमारी चेन सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये हो रही थी, ठीक है, 1 2 3 4, हम किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से हमारा ये हेलोजन करीब पड़ेगा, हेलोजन किधर से करीब पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 2 पे आ रहा है, तो 2 क्लोरो, अब ब्रांच चेन को लिखेंगे, ब्रांच चेन कहाँ पर है, 3 पोजीशन है, उसका नंबर 3 कार्बन पे आ रहा है, ठीक है, 3 पोजीशन पे, तो 3 मिथाइल, ठीक, ठीक है, 3 मिथाइल, ठीक है, अब चेन का नाम लिखेंगे, तो मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिया मैंने, ये वाला, ये भी मैं लिख चुका था, फिर मैंने देखा अरे वीडियो तो जो है वो मतलब हो ही नहीं रही, वीडियो जो बन ही नहीं रही, फिर मैंने दोबारा, फिर मैंने कहा चलो इसे कंप्लीट ही करो जल्दी से, तो अब जैसे यहाँ पर ये है, तो अब ये देखो ब्रेकेट में लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ब्रेकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे जो है दिखाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर Cl यहाँ लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हो कि Cl यहाँ पर लास्ट में लगा है, लेकिन ऐसा नहीं, देखो ये जो CH है ना, इससे ये चीज़ लगी हुई है, फिर उस इसी CH से ये Cl लगा हुआ है, ठीक है, देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है CH3, इससे कौन अटैच है, ये अटैच है CH2, इस CH2 से ये CH अटैच है, ठीक है, अब इस CH से ये CH3 अटैच है, यहाँ पर लगा देते हैं CH3, अब इसी CH से ये वाला CH अटैच है CH, ठीक है,
अब इस सी एच से ये अटैच है सी टू एच फाइव, ठीक है, तो इसको सी टू एच फाइव यहाँ पर लिख लेते हैं, और फिर इससे अटैच है सी एल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये देखना, ये दो कार्बन है, ठीक है, ये चीज़ जो है वो दो कार्बन है। तो अब पहले क्या है, लंबी चेन का सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6, दो बार लेंगे इसे, दो कार्बन है, 5 6, तो ये हो रही है हमारी चेन। और कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4 नहीं हो सकती, 1 2 3 4, तो हमारी चेन सबसे लंबी चेन यही हो रही है, ठीक है, ये ठीक है, तो 2 3 4 5 6, ठीक है, हेक्सेन यहाँ पर बन रही है हमारी। अब का यहाँ पे 1 और 2 दोनों यहीं पे आ जाएंगे, फिर 3 4 5 6, ये दो बार है कार्बन यहाँ पर, ठीक है, तो 1 2 3। अब हमारा क्लोरीन कहाँ पर आ रहा है, 3 नंबर पे, तो पहले तो ये लिख देंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब फिर हम लिखेंगे अपने ब्रांच चेन का नाम, क्या कहाँ पे है, 4 नंबर पे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब मीथ मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हैग्स हैग्जेन, बोलो समझ में आया है या नहीं, है सिंपल या नहीं है। चलो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है, मान लो थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसको भी इसी तरह से लिखूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। पहले इसका स्ट्रक्चर बाद में दिखाऊंगा, मैं सोच रहा था पहले वो वाला लिख दूँ स्ट्रक्चर वाला, फिर स्ट्रक्चर मैं बाद में दिखाता हूँ इसका, CH3 CH2 C CH3 का होल्ड टॉय। पता नहीं क्या हो रहा है आज, वीडियो बार बार पॉज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ये मैं बात कर रहा था, ठीक है, जल्दी से मैं सोच रहा हूँ ये हो जाए टॉपिक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो एरीन की बात करेंगे, हेलो एरीन का नोमेन क्लेचर देखेंगे, ठीक है। तो ये सवाल था हमारा, ठीक है, चलो छोड़ो, अब वो मेरा मूड ऑफ हो गया कि वीडियो दो बार जो है, अभी तो मैंने देख लिया, मैं बार बार देख रहा हूँ इसलिए अब कि जो है ये रुक तो नहीं गई, वही हुआ मैं सवाल लिख दिया था, ठीक है। इस तरह का सवाल है, आप देखो यहाँ पर कि भाई इस तरह से ये दिया हुआ है, तो फिर इसको हम कैसे अपने लैंग्वेज में बनाते हैं, ठीक है, वो देखना आप। तो यहाँ पर सबसे पहले ये CH3 है, फिर इससे ये जुड़ा हुआ है CH3 CH2, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन, और इस कार्बन से ये दो बार लगा है, ठीक है, तो एक बार ऊपर लगा दो ये चीज़ CH3, और एक बार नीचे लगा दो ये CH3, फिर इससे जुड़ा है CH2 और इससे जुड़ा हुआ है आयोडीन, ठीक है। अब लंबी चेन का सिलेक्शन, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हर तरह से 4 यही वाला ले लो, सीधा सीधा सबसे बेस्ट रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन ये रहेगी, अब घूम जाएंगे वो भी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ले लिया हमने आयोडीन, हम कहाँ पे लगाएंगे, पहले नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा 1 आयोडो, ठीक है, क्या हो गया, 1 आयोडो, ठीक है, 1 आयोडो। अब ब्रांच चेन, तो ब्रांच चेन 2 नंबर पे दो हैं, ठीक है, और दोनों सेम हैं, ठीक है, तो डाई, और ये क्या है क्या, मिथाइल, तो डाई मिथाइल, तो पोजीशन दिखा दो, 2, 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है, पोजीशन दिखा दी, नाम लिख दिया डाई मिथाइल, और मीथ ईथ प्रॉब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, बोलो। अब समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको भी लिखते हैं उसी तरह से, जैसे हमारे पास ये है, सपोज दैट CH3 का होल थ्राइस, ठीक है, फिर C, फिर CH2, फिर CH, फिर यहाँ पे Br, और यहाँ पर C6H5, C6H5, ये। अब बच्चों इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, इसको क्या लिखोगे,
बात समझ पा रहे हो। अब देखो C6H5 ऐसा कुछ दिखा करे ना, आप बेंजीन C6H5 जब भी आ जाए ना कहीं पे, बेंजीन का रिंग होता है ये, ठीक है ठीक है, ये चीज़ है ये, ठीक है। अब मैंने लिख दिया वो, ठीक है, मतलब मैं ये सवाल कराना नहीं चाह रहा था अभी, बेंजीन वाले में करा था मैं इसको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक जगह खाली है जो ये यहाँ पर लग गया, ठीक है। या चलो फिर मैं इसको जो है इसको छोड़ देता हूँ, बेंजीन वाले उसमें ही कराऊँगा मैं इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बेंजीन वाले में ही कराता हूँ मैं। और मैं यहाँ के मतलब जो ये हमारे हेलो एल्केन चल रहा है ना, ये भी करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसकी जगह पे, इसको काट देते हैं अभी। मैं ये सोच रहा हूँ ना वो बेंजीन बेंजीन का एक मतलब हो जाएगा, ठीक है, दो आप अच्छे समझ पाओगे वहाँ बेंजीन से कैसे नाम लिखते हैं, बेंजीन आ जाता है तो, ठीक है, तो मैं उसमें ही कराऊँगा इसको। अब जैसे कि हम ले लेते हैं 10 नंबर पे, ये ले लेते हैं CH3 CH, ये मैं आपको पहले से ऑलरेडी बना के ही दिखा रहा हूँ, CH CH3, और यहाँ पे लगा देते हैं BR, और यहाँ पे लगा देते हैं एक CH3, ठीक है। तो अब लंबी चेन का सिलेक्शन करना है आपको, तो 1 2 3 4 यही सबसे लंबी चेन हो रही है। अब ब्रोमीन किधर से करीब पड़ रहा है, इधर से, तो 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो तो ये हो गया, ठीक है, 2 ब्रोमो बोलो हुआ कि नहीं हुआ, 2 ब्रोमो। अच्छा अब 3 नंबर पे है हमारी मिथाइल, तो 3 मिथाइल इसका नाम भी लिखा जाए, इसे क्यों छोड़ा जाए, 3 मिथाइल, और मीथ ईथ प्रोब्यूट ब्यूटेन, वो तो बोलो इसमें कितना यार, हलवा है एकदम, हलवा है, ठंडा करके खाना मगर जवान जल सकती है गरम गरम में। तो एक सवाल और दिखाता हूँ मैं आपको, सवाल की कमी नहीं है मेरे पास। जैसे कि ये ले लेते हैं CH3 CH2 BR, यहाँ पे लगा दिया हमने, और यहाँ पे लगा दिया हमने C2H5, और यहाँ पे लगा दिया हमने CH2, और यहाँ पे लगा दिया हमने CH3। लंबी चेन का सिलेक्शन करो, ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, तो ये वाले लो, ये वाली ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 2 3 4 ये लेंगे तो फिर ये चीज़ तो अलग ही रह जाएगी, तो ब्रोमीन के साथ वाली लो ना, बात समझ रहे हो। अगर हम लंबी चेन ये ले लेंगे 1 2 3 4, तो ब्रोमीन हमारा ब्रांच में चला जाएगा, ब्रोमीन को ब्रांच में नहीं रखना, हैलोजन को कभी ब्रांच में नहीं डालना है, ठीक है, हैलोजन के साथ चेन को सेलेक्ट करना, ठीक है, तो इस चेन में लगा हुआ है ये, तो 1 2 3 4, तो सबसे पहले 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे ब्रांच चेन की, तो यहाँ पे 2 ब्रांच लगी हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितनी ब्रांच लगी हैं, 2 ब्रांच लगी हैं, ठीक है, तो 2 ब्रांच हैं, तो दोनों के नाम अलग अलग होंगे। ये देखो ये जो है वो आपके पास मिथाइल है, ठीक है, और ये है आपकी इथाइल, तो मिथाइल इथाइल, तो पहले उसका नाम लिखते हैं जिसका अल्फ़ाबेटिकली जो है नेम पहले आता है, तो इथाइल का नाम पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली, आएगा कि नहीं आएगा। और मिथाइल का जो है वो बाद में आएगा, बोलिए। तो अब इथाइल है कहाँ पर, इसकी पोजीशन क्या है, 1 2, तो यहाँ पर पहले इसका नाम लिखेंगे 2 इथाइल, ठीक है, और वैसे भी पोजीशन में भी ये पहले आ रहा है, और अगर ये पोजीशन में इधर होता और ये चीज़ इधर होती तो भी इसका नाम पहले आता है इथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आ रहा है, ठीक है, 2 इथाइल। अब यहाँ पर 2 पे ही मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल भी तो 2 पे ही लगा है, तो 2 मिथाइल 2 मिथाइल। अब देखिए मैं इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 मिथाइल, अब चेन का नाम मीथ ईथ प्रोब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन, तो यहाँ पर ब्यूटेन मैं लिख दे रहा हूँ, ये यहीं पे लिखा हुआ है ब्यूटेन, ठीक है, ये ब्यूटेन लिखा हुआ है, ठीक है, ब्यूटेन,
क्योंकि मैं नीचे नहीं लिखना चाह रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरी चेन का पूरा जो नाम लिखा जाता है यूपीएससी नेमिंग होती है वो एक ही लाइन में करनी होती है सीधी, एकदम बीच में जगह जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। तो 10 एग्ज़ाम्पल कराए मैंने आपको यहाँ पर, और 10 के अंदर मैंने और बीच बीच में जो है अलग से एग्ज़ाम्पल कराए हैं। तो मेरे ख़्याल से आपको अब हेलो एल्केन आप आसानी से लिख सकते हैं। मोस्टली मैंने हर तरह के एग्ज़ाम्पल कराने की कोशिश करी है, और इसके बाद हम नोमेनक्लेचर करेंगे हेलो एरिन का, तो वहाँ पर हेलो एल्केन की और बात कर लेंगे। और ये वीडियोस में थोड़ी सी डिस्टरबेंस ये हुई कि वो वीडियो पॉज हो गया, और मतलब वो पॉज नहीं हुआ था, वो वहाँ पर जो है मतलब बंद ही हो गया था वीडियो, दो बार ऐसा हुआ। चलो खैर, वो इतना आप समझ जाओगे, कोई ज़्यादा वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा वीडियो बन गया। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो हम लोग बनाते हैं और वीडियो पता ही नहीं चल रहा, वो रुक गया और हम बनाए पड़े। ठीक है, उसके बाद वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। खैर चलो, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे, और ये टॉपिक से बात जा रही है कहीं और, फिर इसी में बात खिंच जाएगी, खामखा में टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू बी कंटिन्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो शब्बा खैर। अब क्योंकि मैं तो रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरे मुंह से शब्बा खैर निकल रहा है। ठीक है, गुड बाय।